दिल्ली में सड़क पर ठंड लगने से 11 लोगों की मौत की खबर जैसे ही केजरीवाल सरकार तक पहुंची, मंत्री हरकत में आ गए। दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया ने आनन फानन में दिल्ली के अलग अलग इलाकों का दौरा किया। उनकी माने तो दिल्ली में ठंड से 6 लोगों की ही मौत हुई है। फिलहाल मौत कैसे हुई इसकी जाँच के लिए समिति बैठा दी गई है। क्या क्या वजह है, वो 11 है या 5 है, जो भी जितना भी सूचनाएं हैं उसको देखते हैं कि कहां हुआ है, क्यों हुआ है, उसकी वजह क्या है और हम उसमें क्या कर सकते हैं आगे। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। विपक्ष की माने तो आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खुल गई है। सरकार को पहले ही समझ लेना चाहिए था कि भाई सर्दी पड़ने से पहले उसका इंतजाम किया था, बारिश पड़ने से पहले छातों का इंतजाम किया था। बारिश पड़ गई, गीले हो गए तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बहुत दुर्भाग्य की बात है, और जबकि दिल्ली की सरकार बहुत बड़े बड़े वायदे कर रही थी, बड़ी नौटंकी करी उन्होंने कि हम ये ठीक कर देंगे और एक आदमी भी सड़क पे नहीं सोएगा। अब उनको आँख खोल के देखना चाहिए कि उनके वायदों का क्या हुआ। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कई मंत्रियों ने रात में रैन बसेरों का दौरा कर वहां का जायजा लिया था और लोगों से उनकी परेशानियां पूछकर बेहतर इंतजाम के वादे किए थे। अतुल सिंघल, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली।